सर हुआ था, लड़का लड़की का विवाद था, एक बंगाली का लड़का था और इस गांव की लड़की थी, वो दोनों अपने में जो भी बातचीत करते थे और उनका भाई वही जब जाने उनको पता चला तो वहाँ पर गए हैं तो लड़के लड़के अपने में जो भी झगड़ा टंटा किए, बस बंगाली का लड़का उन लोगों को तीन चार लोगों को चाकू खंजर मारा है। जब खंजर की बात इस गांव वालों को पता चली है तो यहाँ से सब भाग कर लड़के गए हैं और खंजर मार कर वो तुरंत थाने पर गया है और थाने पर से बुलाया है, वहाँ पर से दो पुलिस आई है तो गांव के मुखिया को बुलाया। गांव का मुखिया जब वहाँ पर गया है तो उनको बैठा कर लेकर जा रहा था, सबका वीडियो बना रहा था, तो बोले कि क्यों वीडियो बना रहे हैं, जिसको चोट लगा है उसका वीडियो आप बनाइए, सबका क्यों बना रहे हैं। तो उन लोगों ने प्रधान का कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया और मारा प्रधान को, उनके नाक से खून आ रहा था। जब जनता उनको मारते हुए देखा तो जनता ने अपन पुलिस वालों पर अटक किया है, घर के आदमी नहीं किए हैं लेकिन जनता ने किया। उसके बाद घर तोड़ा है, बिस्तर बेड सब कुछ तोड़ा है, देखिए सर कुछ नहीं बचा है, इन लोगों को खाने तक अनाज नहीं बचा है, सोना चांदी कपड़ा बेड बिस्तर इन लोग के बैठने के लिए कोई चीज़ इस घर में नहीं बचा है, जो भी वाशिंग मशीन फ्रिज एसी टीवी तीनों घर में कुछ नहीं तो पांच टीवियां थी और कुछ नहीं तो चार फ्रिज थे, बाकी सामान थी लेकिन कुछ नहीं बचा है कि ये लोग क्या खाएं क्या पिए। जेवर सब लूट, पुलिस वालों को जेवर नहीं लूटना चाहिए था, घर गिराना चाहिए था, घर गिराने के लिए टाइम देना चाहिए था। जब इस घर से किसी से विवाद ही नहीं हुआ तो इस घर को क्यों गिराया गया है, इंसाफ करिए क्यों इस घर को गिराया गया है, जब इस घर के आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। झगड़ा हुआ गांव में बच्चों बच्चों से, घर गिरा गया स्वतंत्र कुमार का, मुन्ना पासवान का, राजपत का, क्यों घर गिराया गया है, सोना चांदी सब कुछ लूटा गया है, बर्तन तक कूच दिया गया है, अनाज में जहर मिला दिया गया है, शीशा तोड़कर उसमें डाला गया है, पानी वाली टंकी तोड़ दी गई है, बेड बिस्तर गहना सब कुछ, नई नई शादियाँ इस बार हुई थी लड़के लड़की की, सब उसका जेवर लूट लिए, ये तीनों घर का, और अप्पू के माँ थी उनकी औरत थी उनकी भाभी, उन लोगों का चार चार सोने का कंगन, उनका कोयला लाने के लिए 10 लाख रुपया रखा था, वो सब नगद पैसा ले गए हैं, और जेवर जितना था उन सब का सब लूट लिए हैं, तीनों घर का जेवर लूटे हैं, और सब ट्रैक्टर वहाँ पर तोड़ा हुआ। देखिए आदित्यनाथ योगी जी को बुलाइए, वहाँ पर जो जो भी टूटा है वो अपने आँख से देखे, कहाँ न सुने, अपने आँख से यहाँ आकर देखे कि क्या हुआ है, सच है या झूठ है, वो स्वयं आए और देखे, यही गुहार है। क्योंकि आदित्यनाथ पुजारी हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इस घर में मंदिर टूटा है, आकर वो देखे कि मंदिर क्यों टूटा है, ये बहुत बड़े भक्त हैं, देखिए कि पूजा कैसे की जाती है, क्यों मंदिर तोड़ा गया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो स्वयं आए और इस गरीबों का मदद करें, देखें कि इन पर क्या बीत रही है, कोई कितने दिन किसको पानी पिलाएगा और खाना देगा, कोई जिम्मा लेगा इस परिवार का, कौन देगा, कहाँ ये सब पर जाए, सड़क पर जाए, कहाँ अपना ठिकाना पर आए, कहाँ पर जाएँ। आज आप लोग जो है सैकड़ों संख्या में यहाँ पर आप लोग जो है धरने पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हैं, हम योगी जी को बुलाना चाहते हैं कि वो आकर ये देखे, नहीं कमांगे वही इंसाफ करे, हम लोग क्या करें, हम लोग क्या खाएं, कहाँ बैठे, किसके दरवाजे पर बैठे, कहाँ पर जाएं, कहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर जाएं, यही हमारी मांग है, वो आए और देखें कि हम लोगों पर क्या बीत रही है। हमारी मांग यही है कि आदित्यनाथ योगी यहाँ पर आएं और आकर पूरी स्थिति देखें स्वयं अपने आँखों से। घर का मंदिर टूटा है, जो पूजा होता था वो मंदिर तोड़ा गया है, वो बहुत धर्मात्मा है, आकर देखें कि क्या उनकी प्रशासन उनका राज क्या किया है। जो गलती किए ही नहीं है उस गलती का हम लोग सजा भुगत रहे हैं, यहाँ पे वो आइए अपन देखिए, यहाँ पे मुन्ना प्रधान को इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे यह हुआ कि लड़की पलिया गांव का जी। लड़का तमन बंगाली का मोहरी बाजारे का, तो लड़की के छेड़ाखानी करते हम बंगाली के लड़का, तो यहाँ का लड़का लड़की का भाई जो देखा तो बंगाली के लड़का के बोला कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर, तो वीडियो रिकॉर्डिंग उड़ावा खाती कि वो लड़का गई ना, तो कहना कि वीडियो रिकॉर्डिंग उड़ा दा, बंगाली लड़का ना उड़ा, यही पर लड़का वो बोला जो लड़का बोला कि वीडियो उड़ा दो, तो वीडियो ना उड़ा, यही पर मोबाइल में से वीडियो उड़ावा खाती के लड़का कुल मांगला,
तो ये वीडियो ना देत रहना। वो लड़का कहला वीडियो दा हम उड़ा दें ना उड़ाना। यही के बाद बंगाली का लड़का छेड़खानी कहना लड़के के संगे दा उठौना, दा उठा के लड़का के चला देना। लड़का वहाँ से अना यहाँ तब फिर बाजार मंगारी बाजार ही रहे वह दिन। तब मुन्ना प्रधान के सब बलौदे, मुन्ना प्रधान वहाँ गई ना तो बंगाली के लड़का पुलिस बलौना। पुलिस आई तो वीडियो रिकॉर्डिंग कैल तो एक तरफा वीडियो रिकॉर्डिंग कैल मुन्ना के उनके मुन्ना के पर जो साथे के मने रिकॉर्डिंग ना कैल जो आदमी वहाँ मार खाई दोनों आदमी। तो पुलिस आवे थे दोनों आदमी के सुना जो मुन्ना प्रधान जब बुलावल गई ना जब बोलना वो मुन्ना प्रधान तो यही बोलना कि दोनों आदमी के रिकॉर्डिंग करो। तबरे पुलिस मुन्ना का कालर पकड़ लेला, तीन डंडा मारा बस मुँह से नाके से खून आवे लगा। बस वहाँ जनता रह बाजार का मामला रह कया। तब जनता वहाँ जब देखला मुन्ना प्रधान मार खा था जनता वहाँ मल्ल। एक बाद शांति भाई, शांति के बाद मुन्ना प्रधान सब परिवार घरे खाना खैल। ये ना जल कि घरे हमारे लफड़ाई हुई, लफड़ा झगड़ा सब बंद हो गए वहाँ। एक बाद पुलिस 7-8-9 बजे के बाद आई यहाँ। जो आई पूरा परिवार सो रहा के वो खाना खाते रह आके जिसबी लिया के तीन ठे जिसबी लगा के यहाँ उनका मुन्ना प्रधान का घर तोड़े लगा। यहाँ तोड़ फोड़ जब भय जितनी गहना जीवन रह सब छीन रहला घर में का सब केव बेगे में भर ले केव थैली में भर ले। आ जितनी लड़की रहनी घर में दो तीन लड़की रहनी यहाँ वो लड़की का कहीं कुर्ती फाड़ देना कहीं लोग मारे लगा लोग ओके घर में कहीं अठे पतो रह लोग छीन ले कहीं फाड़ दे लुगा लोग फाड़ दे ब्लाउज फाड़ दे लोग। एक बार डंडा उठा सबके लोग मारे रहना मेहराऊ को जाती रहनी सब और भाग गए पूरी परिवार का गहना गुड़िया सब तोड़ फोड़ के लोग ले रहे। ले के बाद पूरी गांव के एकदम भगा दे लोग पूरी गांव भाग गई। जो भाग गई जैसे ही सीबी लगा के सब जितने रह तोड़ फोड़ लगा लगा के आ ले के लोग भाग गए लोग।